हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल JBS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज मैं रसायन विज्ञान का सेकंड लेक्चर आया हूं लेकर। इससे पहले मैंने पहले लेक्चर को डिस्कस कर दिया है। यदि आपने मेरे पहले लेक्चर को नहीं देखा है तो आप ज़रूर से ज़रूर मेरे पहले लेक्चर को देखिए, उसके बाद ही आप दूसरे लेक्चर को देखिए, जिससे कि आपको दूसरा लेक्चर और अच्छे से समझ में आएगा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को। इससे पहले हमने डिस्कस कर दिया था कि रासायनिक अभिक्रिया होती है क्या। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और यह कितने टाइप्स की होती है। तो चलिए, पहला हमारा रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया, कम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया को हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, कम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखते हैं कि यह कम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखकर आपको बता दिया है, क्या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ संयोग कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब इसके कहने का कि संयोजन अभिक्रिया में हमारा अभिकारक होगा एक से अधिक, लेकिन हमारा उत्पाद कितना होगा, हमारा उत्पाद एक ही बनेगा। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में यहाँ दे दिया है, जैसे अमोनिया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड यदि रिएक्शन कराएं तो बना अमोनियम क्लोराइड बना। जैसे अब यहाँ देखिए, अब हम जानते हैं कि बाएं साइड हम क्या लिखते हैं, अपने अभिकारक को लिखते हैं और दाएं साइड हम उत्पाद को लिखते हैं। देखिए यहाँ पर अभिकारक कितने हमारे, एक दो। यहाँ पर अभिकारक कितने हैं, दो हैं, लेकिन हमारा उत्पाद बना है जो एक ही है। तो क्या हुआ, यहाँ पर दो अभिकारक के दो अणु मिले तो उत्पाद के एक अणु बनाए। तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया या फिर कम्बिनेशन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे हमने अगला एग्जांपल लिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्लोरीन। तो यहाँ पर देखिए कार्बोनिल क्लोराइड पड़े, यहाँ पर भी देखिए अभिकारक के दो अणु हैं, एक दो, लेकिन उत्पाद बना है हमारा एक ही। ऐसे थर्ड में देखिए, यहाँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन को लिए तो बनाए कार्बन डाइऑक्साइड। अब सभी एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं क्या कि हमारे अभिकारक के अणु एक से अधिक हैं, लेकिन उत्पाद हमारा सब में एक ही बन रहा है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के एक या एक से अधिक अणु आपस में संयोग कर उत्पाद के एकल अणु का निर्माण करते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, ये जो है अभिक्रिया के टाइप्स, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से इसे समझिएगा। अब केमिस्ट्री में आपको हिंदी ले लिखना है, हिंदू तो लिखना ही लिखना है, लेकिन उसके साथ साथ हमको केमिकल रिएक्शन जरूर लिखना है। क्योंकि केमिकल रिएक्शन नहीं लिखें तो आप हिंदी चाहे जितना लिख दीजिए, एग्जामिनर आपका चेक नहीं करेगा। इसलिए आप केमिकल रिएक्शन पर मैक्सिमम टाइम फोकस कीजिएगा। यदि लर्न ना हो तो एक बार ट्राई कीजिए, दो बार ट्राई कीजिए और उसे लिख कर याद कीजिए। लेकिन क्योंकि केमिकल रिएक्शन हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए फिर हम देखते हैं कि अगला हमारा केमिकल रिएक्शन कौन है, मतलब क्या होगा, वियोजन अभिक्रिया, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया या फिर इसी को कहते हैं क्या, अभिकटन अभिक्रिया। अभिकटन कहें या फिर वियोजन अभिक्रिया कहें, समझ जाइए कि दोनों क्या हैं, सेम ही है। अब देखिए क्या होगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ वियोजित तो होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए इसको, अब ये जस्ट हमारा संयोजन अभिक्रिया का व्युत्क्रम होता है, कौन, वियोजन अभिक्रिया। अब यहाँ पर देखिए, उत्पाद के एक अणु है, मतलब क्या, कैल्शियम कार्बोनेट है जो हमारे अभिकारक का एक अणु है, लेकिन उत्पाद में हमारा दो अणु बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक अणु वियोजित हुआ तो दो अणु को बनाए, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर हमने जैसे लिख दिया कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का व्युत्क्रम होता है। संयोजन अभिक्रिया में दो अणु मिलकर, अभिकारक के दो अणु मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, लेकिन वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक के एक अणु उत्पाद के दो अणु का निर्माण करता है। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि और हमारे वियोजन अभिक्रिया क्या होती हैं। अब देखिए अगला है वियोजन अभिक्रिया के टाइप्स।
मतलब वियोजन अभिक्रिया हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, अब इसमें उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या हो गया, हमारा वियोजन अभिक्रिया कितने थ्री टाइप्स के, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाश वियोजन या फिर विद्युत वियोजन। इसे देखिए अब पहले डिस्कस कर दिए, या फिर वियोजन के या फिर अपघटन के दोनों क्या है, सेम ही है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर क्या हो गया अपघटन लिखा है और हमारा बोल रहे हैं वियोजन, तो वियोजन या फिर अपघटन दोनों रिएक्शन एक ही होता है। आप इससे डरिएगा कि नहीं कि वियोजन है कि अपघटन, जिससे मैं यह डिफिनेशन के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास किया हूँ आप सबको। देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल अणुओं या पदार्थों में वियोजित हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। अब देखिए क्या हमारा ऊष्मीय अपघटन जो है वियोजन अभिक्रिया का ही एक टाइप्स है। तो अभी हम क्या कहेंगे, वह वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा होता है, ध्यान सुनिएगा, वह वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा होता है ऊष्मीय वियोजन कहलाता है या फिर ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। अब जैसे यहाँ पर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मीय अपघटन, मतलब क्या होगा, इस रिएक्शन को कराने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ी, ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी। तो देखिए जब ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब देखिए ये ऐसा कोई चीज आपको तीर का निशान बनना ऊपर की टाइप, तो आप समझ जाइएगा वो क्या गैस है जो वातावरण में हमारा मुक्त हो रहा है। अब देखिए यदि यहाँ पर ऊष्मा नहीं होता तो ये क्या होता, कैल्शियम कार्बोनेट अपने अणुओं में नहीं टूटता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे अगला है प्रकाश अपघटन, मतलब अब यह वियोजन अभिक्रिया किसकी होगी, प्रकाश की उपस्थिति में होगी। अब इसमें विद्युत अपघटन, मतलब यह विद्युत अपघटन क्या होगा, विद्युत की उपस्थिति में होगी। यदि ऐसी अभिक्रिया हमको मिल रही है तो हम क्या करेंगे, अब चलिए देखते हैं कि हमारा क्या होता है प्रकाश वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश के द्वारा होता है तब यह वियोजन अभिक्रिया प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अब देखिए सिल्वर क्लोराइड है, या सिल्वर क्लोराइड लिखा है, यहाँ लिखा है सूर्य का प्रकाश। अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा यह वियोजन अभिक्रिया किसके हो रही है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, इसलिए इस अभिक्रिया के क्या प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहे हैं। अब अगला देखते हैं क्या, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब देखते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया हमारी क्या होती है। ठीक है, वह वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत द्वारा या फिर विद्युत धारा के प्रवाह के कारण होता है उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, जल है, यदि जल में हम क्या किए विद्युत धारा को प्रवाहित करें तो हमारा क्या बना, हाइड्रोजन, अब यहाँ बन गया क्या, ऑक्सीजन। अब यदि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते तो हमारा क्या होता, यह अपने आयनों में नहीं टूटता। अब यहाँ पर क्या, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारे कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब जिसमें हमने स्टार बनाकर आपको लिख दिया है, समझ जाइए कि वो क्या कंपटीशन आप के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कि जैसे शरीर में भोजन का पाचन वियोजन अभिक्रिया के द्वारा होता है, ये सब यदि हम आपको बायो का लेक्चर जब लेंगे तो आप बताएंगे कि उसमें मानव शरीर में भोजन का पाचन कैसे होता है। आई होप आप बस इतना समझिएगा कि हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन होता है इस समय किसे होता है, वियोजन अभिक्रिया के द्वारा होता है। यदि आपको यह सब समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही रोज़ाना एक वीडियो जरूर लाऊं। चलिए फिर हम आगे देखते हैं कि हमारा क्या है, अब हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखते हैं कि हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। क्या वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटाकर वह स्वयं स्थान ले लेता है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए अब यहाँ पर कॉपर सल्फेट का एक यौगिक है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट का यौगिक है, इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम आयरन से। तो अब यहाँ पर देखिए अब इसके विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में जहाँ CuSO4 था अब बन गया क्या, FeSO4। ध्यान से देखिएगा, जहाँ पर कॉपर था अब वहाँ पर आयरन हो गया, क्या उसके यौगिक से, कॉपर के यौगिक से क्या आयरन ने कॉपर को हटा दिया, यहाँ पर देखिए हटा दिया। तो मतलब क्या वियोजन का उसको प्रतिस्थापित करना मतलब निकाल देना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कॉपर को आयरन ने निकाल दिया, बना लिया क्या,
फेरस सल्फर और कापर को अलग कर दिया। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। क्यों कहेंगे, क्योंकि उस यौगिक से आयरन ने उसे हटा दिया। ऐसे अगला देखते हैं, कापर सल्फेट प्लस जिंक। अब देखिए यह जिंक जो है यह भी क्या हुआ, कापर को उसके विलयन से हटा दे रहा है या फिर उसके यौगिक से हटा दे रहा है, तो बन गया क्या, ZnSO4 प्लस Cu। अब देखिए अब हटा दिया तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अब देखिएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा है कि यह क्यों हटा दे रहा है और क्यों नहीं हटा दे रहा है, तो आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी में जो तत्व ऊपर होते हैं वह नीचे वाले तत्व को उसके यौगिक से हटा सकते हैं। देखिए क्यों, क्योंकि आयरन यहाँ पर कापर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए कापर या फिर जिंक उस कापर के यौगिक से उसको विस्थापित करते रहे हैं। अब आगे देखिए ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होगी, अब देखिए ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी मतलब होता है ऊष्मा को निकालना, और मतलब कोई रिएक्शन होगा उससे क्या होगा, ऊष्मा निकलेगा। जैसे लिखा क्या, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें क्रिया के फलस्वरूप, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं या फिर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर मेथेन ऑक्सीजन, अब इसका जब रिएक्शन करा गया तो बोला कार्बन डाइऑक्साइड बना, फिर जल बना, अब देखिए यहाँ पर क्या निकला, ऊष्मा निकला। अब हम बताएं क्या ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर CH4 मेथेन है, मेथेन को हम दलदली गैस भी कहते हैं या फिर मार्स गैस कहते हैं और प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। किसको, इस मेथेन का, जिसका फार्मूला होता है CH4, मेथेन कहते हैं मार्स गैस, दलदली गैस या प्राकृतिक गैस, ये तीनों का नाम है, मेथेन का ही नाम है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि आपको ऐसा क्वेश्चन कहीं मिला तो आप समझ जाइए कि कौन सा है, मेथेन का नाम ही है। अब अगला है क्या हमारा, और हमारा है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। मतलब क्या, यह अभिक्रिया ऊष्मा को सोखेगी, मतलब शोषी मतलब लग गया क्या, सोखेगी, मतलब इस अभिक्रिया को कराने के लिए हमको ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन इसे लिख दिए गए इंडोथर्मिक रिएक्शन, लिखा गया वे रासायनिक अभिक्रिया जिनकी प्रगति के लिए, मतलब जिसको कराने के लिए हमको ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे मर्क्यूरस ऑक्साइड है, यहाँ पर लिख गया ऊष्मा, ऊष्मा करने का मतलब क्या है कि इसको यदि कोई रिएक्शन कराना है तो हमको इसको क्या गर्म करना पड़ेगा या किसी तरह से हमको ऊष्मा देना ही पड़ेगा तभी यह रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ने क्या दिया, ऊष्मा दिया, तो वह क्या मरकरी और ऑक्सीजन में टूटकर अलग हो गया, मतलब देखिए यहाँ पर क्या ऊष्मा शोषी, हमको यहाँ पर ऊष्मा देना पड़ रहा है, लेकिन हम देख रहे थे ऊष्मा क्षेपी में, जब ऊष्मा क्षेपी में हमने देखा तो उसमें ऊष्मा मुक्त हो रही थी। देखिए यहाँ पर ऊष्मा मुक्त हो रही है, यहाँ पर ऊष्मा की आवश्यकता है, क्या दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस, एक में ऊष्मा मुक्त होती है तो एक में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं, अब लिखे क्या, नोट पॉइंट करके लिखे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के और क्या क्या उदाहरण हैं, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। जैसे है हमारा पहला, प्राकृतिक गैसों का दहन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। प्राकृतिक गैस क्या है, CH4, यदि उसको हम जला रहे हैं तो उसमें क्या, वो कौन सी ऊष्मा होगी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। अब ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया मतलब क्या, ऊष्मा मुक्त होगी। श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, जैसे हम सांस लेते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे अंदर ग्लूकोज होता है जिससे का हमारे शरीर में कंपोजिशन होता है, मतलब टूटता है, और जिससे हमको ऊर्जा मिलता है। अगला है, साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट के रूप में बनना है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे साग सब्जी जैसे हमारे घर के लोग के बस जाता है तो उसको खेत में फेंक दिया जाता है, और कंपोस्ट मतलब क्या होता है, खाद, वह सड़ने के बाद खाद बन जाता है। अब जानते हैं कोई भी चीज़ सड़ता है तो उससे हमारा निकलता है गैस, वो गैस निकलती है, तो जैसे अब जानते हैं दलदली गैस या मार्स गैस किसे कहते हैं, मेथेन को कहते हैं, तो उससे मेथेन गैस निकलती है। मेथेन गैस निकलती है तो कौन सी है, हमारा है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अब जानते हैं प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो हमें क्या होता है, ऊर्जा मिलता है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, और प्रकाश संश्लेषण कहते हैं ग्लूकोज मिल रहा है हमारा, ये क्या है, ये भी क्या है, एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। मतलब इन सभी अभिक्रिया में हमारा क्या होगा, ऊष्मा मुक्त होगा।
अब आगे देखिए, अब हमारा है क्या, आक्सीकरण या उपचयन। आक्सीकरण को ही हम क्या कहते हैं, उपचयन भी कहते हैं। चलिए फिर देखते हैं कि आक्सीकरण हमारा क्या होता है। लिखा है, वह अभिक्रिया जिनमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग्यता, मतलब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग होता है तो उसे कहते हैं क्या, आक्सीकरण। या फिर हाइड्रोजन की कमी होती है, यदि किसी मटेरियल से हाइड्रोजन की कमी भी हो रही है तो भी उसे क्या कहते हैं हम, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। या फिर पदार्थों से इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो भी उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे मैं एग्जांपल देकर बता दिया, जैसे Cu+O2 है। अब देखिए यहाँ पर कापर है, इससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ा है। अब लिखा है किसे, ऑक्सीजन का योग, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन कापर से ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब देखिए SnCl2 है +Cl2, अब जानते हैं कि इसको इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के दो की कमी थी, यहाँ पर चार हो गया, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई, तो भी क्या हो गया यहाँ पे, इसका हमारा हो रहा है ऑक्सीकरण। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन का योग होना चाहिए लेकिन ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, ऑक्सीजन जुड़ा कहाँ जाके, हाइड्रोजन के साथ, मतलब इसका क्या हो रहा है, हमारा हो रहा है ऑक्सीकरण। ऐसे ही हमने अलग अलग एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि आज के वीडियो में बस इतना है, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करिए और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।